जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु का नाम ले रहे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप सबके बीच आने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। कई बार कोशिश की आप तक पहुंचने की, अपनी बातें आप तक पहुंचाने की, आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करने की, लेकिन थोड़ी व्यस्तता होने के कारण कुछ समय का गैप हुआ कि आप तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज एक मौका था आप सबके बीच एक विशेष धन्यवाद लेकर आना था, इसलिए आज मैं यहाँ आप सभी के बीच आई हूँ। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है देवी चित्रलेखा जी, उस यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। ये बिना आपके प्रेम के, बिना आपकी श्रद्धा के पूर्ण हो ही नहीं सकता। मैं बार बार कहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट दी क्वांटिटी, बात ये नहीं है कि गिनती कितनी है, बात ये है कि ये हर एक गिनती आपका प्रेम दर्शाती है कि आप कितना प्रेम और कितना आदर सम्मान करते हैं। इस चैनल के माध्यम से एक प्रयास जो आप तक अच्छी बातें पहुंचाने का है, कथाओं के माध्यम से, कथाओं का जो टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों तक और खासकर आज के यंगस्टरों तक अपनी बात पहुंचाने का। आज जहां भी आप जाते हैं, हर व्यक्ति के पॉकेट में आपको फोन मिलेगा, बच्चों के पास आपको सेल फोन मिलेगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे हमारी समय, आज का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारी बुराइयां इसकी वजह से आई हैं। वो बात कहीं हद तक सच भी है, लेकिन हम सब ने हमेशा से ये सुना है कि इस संसार में, इस दुनिया में, इस प्रकृति में भगवान ने कुछ अच्छाइयां भी दी हैं और कुछ बुराइयां भी दी हैं। हमेशा हर चीज में कुछ पॉजिटिविटी होती है और कुछ नेगेटिविटी होती है। देयर इज ऑलवेज सम गुड, देयर इज ऑलवेज सम बैड। अब वो आपको और हमको चुनना है कि हम उसमें से अच्छाई लेना चाहते हैं, गुण लेना चाहते हैं, या हम बुराइयों को अपने जीवन में घर देना चाहते हैं। जैसे कि एक बहुत सुंदर उदाहरण जो लाइफ में बहुत लागू होता है, आप किसी भी पार्टी में जाएं, किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, किसी शादी में जाएं, तो आप हमेशा देखते हैं कि आज की डेट में पूरा एक बफे लगा होता है। कोई भी पार्टी होती है तो वहाँ हर आइटम अलग 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 कैटेगरीज में रखे होते हैं। आप जाते हैं और उस पार्टी में जाने वाले हर आदमी का टेस्ट ऑफ चॉइस अलग होती है। कोई वहाँ सबसे पहले मीठा खाता है, कोई वहाँ नमकीन खाता है, कोई वहाँ आइसक्रीम खाता है, सबका अलग टेस्ट है और सबके टेस्ट के हिसाब से अलग अलग चॉइसेस है। आपको खुद जाना है, प्लेट लेनी है और अपने आप को खुद सर्व करना है कि आपको क्या चाहिए। यही सेम चीज हमारी लाइफ में भी होती है। भगवान ने इस पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई हैं, आपको खुद जाना है और उन चीजों को खुद चुनना है। आप अच्छाई चुनना चाहते हैं, आप अध्यात्म चुनना चाहते हैं, जो आप चुनना चाहें वो चुनाव आपका होगा। आज के समय में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, शिकायतें करते हैं, जब देखो फोन में लगा रहता है, इस फोन में आग लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मेरी जितने भी आज के जो यूथ मुझे याद सुन रहा है, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। आपके पास एक बहुत अच्छा साधन है, टेक्नोलॉजी है, जिसको आप एक बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, एक अच्छे वे में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी YouTube खोल करके कोई इधर उधर की बेकार की चीजें देख सकते हैं, आप चाहें तो कोई अध्यात्म की चीजें देख सकते हैं, आप चाहें तो कोई मोटिवेशनल, जिससे आपको कोई
कुछ आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर में कुछ और जोश मिले ऐसा देख सकते हैं। आप ऐसा कुछ करिए जो आपके पेरेंट्स भी जब आपके हाथ में फोन देखे तो उनको लगे कोई अच्छी चीज देख रहा होगा, अपनी लाइफ में जो इसकी यूज होने वाली है उस चीज को देख रहा होगा। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से यही प्रयास करते हैं, न कि केवल कथा बल्कि अच्छे अच्छे संकीर्तन, हरिनाम, भजन, मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाएं, ताकि आज के बच्चे इससे कुछ लाभ उठा सके। तो मैं फिर एक बार कह दूं कि बात सिर्फ गिनती की नहीं है, 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, कितने भी बढ़ जाए, लेकिन इसका लाभ तभी है जब आप इससे कुछ सीखें, कुछ अपनी लाइफ में इससे कुछ बदलाव लाएं, और उस बदलाव को आपके घर के लोग देखें, पेरेंट्स देखें, और वो आके कहे कि हाँ हमने देखा कि फोन में ये आपकी वीडियोस देखता है, कथा सुनते हैं, और उससे इसके जीवन में कुछ बदलाव आया है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आप सब इस चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका कुछ फायदा ले सकें, इससे कुछ उनकी जिंदगी में भी कुछ लाभ हो सके। मुझे मालूम है आप सबके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछ, यहाँ केवल आएंगे जहाँ आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप सबके बीच आते रहें और अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएं, आप सबसे लाइव जुड़ सकें, जिससे आप अपनी मन की बात यहां तक पहुंचा सकें। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को इस YouTube चैनल पर जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, इस प्रेम के लिए आप सभी का मेरी ओर से, और खासकर जो हमारी पूरी WST और गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की टीम है जो दिन रात इस चीज़ में मेहनत करती है, उस पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे।